हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, रजनीगंधा के बल्ब को किस तरीके से आपको ग्रो करना है, उनकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है, सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। इसलिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। रजनीगंधा जो प्लांट होता है, इसके फूलों की खुशबू बहुत अच्छी होती है और इस पर वाइट कलर के फूल खिलते हैं जो कि एक स्टिक पर आते हैं। इसमें आपको डबल पेटल में भी मिलते हैं, सिंगल पेटल में भी मिलते हैं और मल्टी कलर में भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन हमारे इधर ज़्यादातर आपको इसके वाइट कलर ही देखने को मिलते हैं। रजनीगंधा के जो फूल होते हैं, ये ज़्यादातर से गजरा वगैरह बनाने के काम में लिए जाते हैं, क्योंकि इसके जो वाइट कलर के फूल होते हैं, ये वाइट होने के साथ साथ इनमें खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। इस प्लांट को बल्ब से ग्रो करना बहुत ही आसान रहता है। ये जब ग्रो करता है तो इस तरीके की हरी हरी प्याज जैसे होती हैं, ऐसी इसकी ब्रांचेस निकलती हैं, आप मेरे सामने देख ही सकते हो। इसकी पत्तियां काफ़ी बड़ी तो नहीं होती हैं, छोटी ही रहती हैं, लेकिन जिस टाइम पर ये निकलती हैं तो बहुत ही सुंदर लगती हैं ग्रीन कलर में, और इन्हीं के बीच में एक स्टिक निकलती है तब इस पर फूल बनता है। लेकिन अगर आपके पास इसके बल्ब पहले से पॉट पे लगे हुए हैं तो उनमें क्या होगा, फूल नहीं आएंगे, ब्रांचेस आपके प्लांट में निकल जाएंगी। तो अगर आपको फूल चाहिए तो आपको उन बल्ब को निकाल कर फिर से रिपोर्ट करना है अच्छी मिट्टी तैयार करके। मेरे सामने आप देख रहे हो इस तरीके के रजनीगंधा के बल्ब होते हैं, इनका साइज बहुत बड़ा नहीं होता है। अगर आपको एक बार कहीं से 3 से 4 बल्ब इसके मिल जाएंगे तो नेक्स्ट सीजन में आपके पास इसके बहुत सारे बल्ब तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के पास से इसके बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। तो मेरे पास ये 5 साल से हैं और आप देख सकते हो 5 साल में मैंने सिर्फ एक ही प्लांट इसका नर्सरी से लेकर आई थी, तैयार प्लांट था, और उसके बाद मैंने इसके ढेर सारे बल्ब तैयार कर लिए हैं। मैंने इनको पानी में भिगाकर रखा हुआ है। मिट्टी में इनके लिए किस तरीके से तैयार करती हूँ, चलिए शेयर करती हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर मैंने 1 पार्ट देखिए गोबर की खाद ली है, और गोबर की खाद बहुत ही अच्छी से डीकम्पोज होनी चाहिए, बिल्कुल मिट्टी की जैसी आपकी गोबर की खाद लगनी चाहिए। गीली गोबर की खाद रहती है तो आपके प्लांट में भी नुकसान करती है और उससे फंगस भी लगती है। इसके बाद यहाँ पर हमने 1 स्पून के करीब फंजीसाइड पाउडर इसमें ऐड किया है, क्योंकि बल्ब जो ख़राब होते हैं बाई चांस अगर फंगस लगने की वजह से भी ख़राब होते हैं, एक्स्ट्रा पानी जब हम डाल देते हैं उसकी वजह से भी ख़राब होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मिट्टी को सॉफ्ट करने के लिए परलाइट यूज़ की है, क्योंकि परलाइट से क्या होता है, एक तो मिट्टी पोरस बनी रहती है, जमती नहीं है, और परलाइट में पानी भी थोड़ी देर तक रुक जाता है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं, और इस टाइम पर अगर ज़्यादा गर्मी की वजह से इन बल्ब में बहुत ज़्यादा सूखा रहेगा या फिर गीला रहेगा तो ये गल जाएंगे, और बहुत ज़्यादा अगर सूखा रहेगा तो जो बल्ब होता है वो सिकुड़ जाता है, अच्छे से फ्लावरिंग नहीं कर पाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कम से कम 5 से 6 स्पून ही देखिए पोटास ऐड किया है। पोटास जो होता है वो फूलों के लिए बेस्ट रहता है। अगर अच्छी मिट्टी हम तैयार करेंगे तो हमारे प्लांट स्टार्टिंग से ही फूल देने के लिए अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि जो बल्ब होते हैं उन्हें अगर आप स्टार्टिंग से ही अच्छी एनर्जी दोगे तभी वो आपको फूल भी देंगे। अब हमें क्या करना है, इस सभी को अच्छे से मिक्स करके और पॉट में डाल लेना है। पॉट में नीचे की साइड अच्छे से आपको देखना है, ड्रेनेज होल होना चाहिए, और मिट्टी को हम अच्छे से गीला कर लेंगे। सूखी मिट्टी में बल्ब हम ग्रो नहीं करेंगे। तो मैंने देखी यहाँ पर 2 से 3 पॉट तैयार कर लिए हैं, इनमें मिट्टी भर ली है, और अब हम इनमें पानी डाल लेंगे ताकि अच्छे से हमारे बल्ब जो हैं वो लग सकें। सूखी मिट्टी में अच्छे से बल्ब नहीं लग पाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारे बल्ब हैं उनको अच्छे से आपको वॉश कर लेना है, देखना है जो ऊपर का टिप्स होता है उसका आपको ध्यान रखना है। आपको किस साइड से बल्ब लगाने हैं, वैसे तो इजी पता चल ही जाता है, लेकिन ऊपर की साइड जो इनकी होती है वो बारीक होती है, और जो नीचे की जड़ होती है वो आपको थोड़ी चौड़ी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमें होल बनाना है मिट्टी में और बल्ब को अपने लगा देना है।
इससे क्या होगा कि हमारे जो बल्ब हम लगा रहे हैं इससे प्लांट हमारा दोबारा से ग्रो होगा और उसमें फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी आएगी। तो इस तरीके से ही आपको इस बल्ब को लगा देना है। और इन्हें हमें बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लगाना होता है क्योंकि इस जो ऊपर का कोना होता है वो हल्का सा बाहर रहना चाहिए ताकि उसी में से उसकी पत्तियाँ निकल सकें। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इन पर छोटी छोटी पत्तियाँ पहले से ही बनी हुई हैं। और रजनीगंधा का जो प्लांट होता है ये आपको नर्सरी में भी 50 से 60 रुपीज़ का मिल जाता है इजी। अगर आप इसके बल्ब ऑनलाइन मंगाना चाहते हो तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, इसके बल्ब ज़्यादा महंगे नहीं मिलते हैं और इजी से मिल भी जाते हैं। लेकिन अगर आप लगा रहे हो तो एक पॉट में कम से कम 5 से 6 बल्ब ज़रूर लगाइए ताकि जब ये प्लांट हमारा ग्रो होगा, फूल खिलेंगे तो बहुत ज़्यादा घना घना ये लगेगा। तो मैंने देखिए इस तरीके से होल कर करके एक पॉट में कम से कम 4 से 5 बल्ब लगा दिए हैं। अगर आपके पास परलाइट नहीं है तो आप थोड़ा सा इसमें कोकोपीट भी ऐड कर सकते हो मिट्टी में। और अगर आप कोकोपीट भी नहीं ऐड करना चाहते हो तो वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हो। मेरे पास इस टाइम वर्मी कंपोस्ट ख़त्म हो रखा है इसलिए मैंने आज वर्मी कंपोस्ट नहीं लिया है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट भी बेस्ट रहता है। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से देखिए हमने अच्छे से बल्ब लगा के इनको प्रेस कर देना है ताकि इनके ऊपर हल्की हल्की लेयर मिट्टी की हम डाल सकें। इसके बाद फ्रेंड्स इनको हमें अच्छे से ग्रो करने के बाद पानी डाल देना है। पानी डाल के आपको इसे रखना कैसी जगह पर होता है, जहाँ पर इसे सुबह की सिर्फ आधा घंटे की धूप मिले, उससे ज़्यादा धूप इसको नहीं मिलनी चाहिए। और आपको इसमें नमी बनाकर रखनी है, ना तो बहुत ज़्यादा पानी डालना है और ना ही इसमें बिल्कुल सूखा होने देना है, क्योंकि अगर आपकी मिट्टी सूखी हो जाती है तो बल्ब जो होते हैं हमारे वो सिकुड़ जाते हैं, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। और अगर आप इनको बहुत ज़्यादा गीला रखते हो तो ये गल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए हमने इसमें हल्की सी परलाइट ऐड की है ताकि इसमें नमी भी बनी रहे और मिट्टी जो है वो बिल्कुल सख्त भी ना हो जाए। तो आप इस तरीके से अगर अपने बल्ब ग्रो करोगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। मैंने 3 पॉट तैयार कर लिए हैं, जितने मेरे पास बल्ब थे सभी को मैंने लगा दिया है, छोटे छोटे थे सभी को लगा दिया है। जो भी ग्रो होंगे इनका अपडेट जो भी रहेगा वो आगे आने वाली वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा। तो इस तरीके से पानी डाल के हमें इनको छाया वाली जगह पर रख देना है। वैसे ये फुल सनलाइट का प्लांट है, आप इसको गर्मी में भी पूरा दिन की धूप में रख सकते हो, क्योंकि धूप में भी इस प्लांट का कुछ नहीं बिगड़ता है। अगर आप क्यारी वगैरह में डेकोरेट के लिए लगाना चाहते हो तो वहाँ पर भी ये प्लांट बहुत सुंदर लगता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।